प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता की मुहिम को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने बयान देते हुए ये बात कही है कि नीतीश कुमार किस आधार पर विपक्षी एकजुटता करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसे बिहार में ही इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। पहले नीतीश कुमार बिहार में सीटों का बंटवारा कर लें, फिर देश भर में घूम घूम कर विपक्ष के दल के नेताओं से मुलाकात करेंगे। अभी फिलहाल नीतीश कुमार जो यात्रा कर रहे हैं यह एक चाय पार्टी के अलावा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार चाय पर विपक्ष के नेताओं के साथ बैठते हैं, गपसड़ाकी लगाते हैं और उसके बाद बाहर आकर ये दावा कर देते हैं कि विपक्ष एकजुट हो जाएगा। भाजपा को रोकने के लिए इनके पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, और यदि कोई फॉर्मूला है तो उसे सबसे पहले बिहार में इम्प्लीमेंट करें। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता को लेकर कांग्रेस और बाकी दलों के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, इस पर पहले पर्दा बिहार में उठना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि नीतीश कुमार 100 सीटों पर लड़कर चुनाव 42 सीट जीत कर आए थे, CPIML 17 सीटों पर लड़ी थी और 12 ML जीत कर आए हैं। इस हिसाब से ज़्यादा सीटें CPI को मिलना चाहिए। ये बात कहने के बाद प्रशांत किशोर के एक निश्चित तौर पर जो राजनीतिक चिंतक हैं बिहार के, उनका माथा घूम जाएगा। खबर पहले से ही आ रही है नीतीश कुमार की सीटों में इस बार गिरावट हो सकती है। NDA में जो सीटें उन्हें प्राप्त हुई थी 17, वो यहाँ मिलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में यदि प्रशांत किशोर की बात माने तो प्रशांत किशोर ने एक और समस्या पैदा कर दी है। इस तरीके से प्रशांत किशोर के कहने के वजह से क्या नीतीश की सीटें वाकई घट जाएंगी? देखिए इस वीडियो में क्या कुछ दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर। गांव के और दलों के साथ में बैठ कर चाय पीने से, साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं है। आप बंगाल गए, ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया, उससे जनता पर क्या असर पड़ा, उससे लोगों पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। तो नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जदयू कितना सीट लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी और RJD और उनके अन्य जो 4 सहयोगी दल हैं जो अभी सरकार में है, मांझी जी कितना सीट लड़ेंगे और CPI, CPIM और CPIML कितने सीट लड़ेंगे। बिहार का ये फॉर्मूला अगर आप जारी कर दीजिए, उसके बाद दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई आपको गंभीरता से लेगा। देखिए विपक्षी एकता में होता ये है कि हर आदमी ये कहता है कि मैं अपनी ताकत पे लड़ूंगा, दूसरे को कहता है कि आप आपस में मिल जाइए। तो नीतीश कुमार को अगर आप कहिएगा कि अपना सीट छोड़कर यहां CPIML को जोड़ दीजिए, CPIML का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी 100 सीट लड़के 110 सीट लड़के 42 MLA जीती है, CPIML 17 लड़के 12 जीता है। उस हिसाब से CPIML को ज्यादा MP में सीट मिलना चाहिए, तो नीतीश कुमार अपना सीट छोड़ देंगे? विपक्षी एकता के लिए जाकर बात करने, बात तब बनेगी ना जब आप में खुद सेक्रीफाइस करने की क्षमता हो। तो यहां पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। कांग्रेस पिछली बार यहां 10 MP का सीट लड़ी थी, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये घोषणा कर दे कि इस बार कांग्रेस कितना सीट लड़ेगी और कांग्रेस उसको मान जाए, CPIML मान जाए, तब ना एकता की बात होगी। तो अपना घर ठिकाने पे नहीं है, पूरे दुनिया में घूम रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे भी इन चीजों का थोड़ा बहुत अनुभव है, नीतीश कुमार इतना नहीं है, लेकिन अपना घर जिसका ठिकाना नहीं है वो आदमी पूरे दुनिया में घूमेगा तो उसका ना बाहर होगा ना घर का बचेगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।